We will take up our first question by Mr. M.H. Kapadia. See, in Maharashtra, in Mumbai, where I stay, even when there is a valid will, societies are asking for probate or succession certificate. Is that valid? Okay. जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से द विल हैज टू बी प्रोपेटेड इफ द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता. तो सोसाइटी जो पूछ रही है वो वाजिब है. विल आपका विल रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, प्रोबेट मांगना उनका हक है. ओके, थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय डॉक्टर विजय. Just one question. Is it required to make multiple wills in case of multiple properties? Is that valid? Doctor, ऐसा है, आप multiple will बना सकते हो, लेकिन उसका फायदा क्या है? तकलीफें ज्यादा है उसमें. Okay. क्योंकि हर बार रजिस्टर करने जाओगे, हर बार विटनेस को लेके जाओगे, हर बार प्रॉफिट बनाना पड़ेगा. अगर मुंबई में प्रॉपर्टी है, चेन्नई में है. Okay. Better to make one will for entire. You can, there is no law which stops you. Okay. Better to have one will. And better to have two separate wills, one for yourself, one for a person and one for his wife. Okay. That probate has to be done afterwards, no? Yes, yes. The legal heirs will do probate. Legal heir, after the demise of the owner. Yes, yes. Okay, sir. Thank you. Nice, sir. Next question is by Sangeeta Tambe. Hello sir, I have two questions. First one I'll ask, then if you give me time I'll ask the second one. When there is joint property in the name of husband and wife, then if one expires, how is the distribution to the children? Okay, I'll tell you. Let us take a case, madam. A husband hai A aur wife hai B. Joint flat hai, joint naam pe. To usme kaise hota hai? Agar husband ne will banaya rahega, to will agar hai तो उसके विल के हिसाब से उसका शेयर, उसका जो शेयर है 50% वो डिस्ट्रीब्यूट होगा. मान लो उसमें लिखा रहेगा कि मेरा जो शेयर है मेरे वाइफ को जाना चाहिए, तो वाइफ के नाम पे पूरा 100% शेयर जाएगा. मान लो उसने लिखा है कि मेरा जो शेयर है दो बेटों के नाम पे जाएगा, तो वो शेयर दो उसमें कैसे होगा? दो बेटों का नाम और वाइफ का नाम रहेगा उसका शेयर का. और अगर मान लो उसने विल नहीं बनाया और वो गुजर गया, तो उसके लिए लीगल ईयर सर्टिफिकेट या सक्सेशन लेके प्रॉपर्टी तीनों के नाम पे डिस्प्यूट होगा. अगर वो हस्बैंड की माँ जिंदा है तो उसका शेयर उसमें आएगा. अगर माँ और उसके वाइफ यानी बी का शेयर रहेगा और बेटो बेटियों का सबका शेयर आएगा. और बाद में किसी को अगर वाइफ बी को देना है तो फैमिली अरेंजमेंट करके रिलीज डीड करके वो वाइफ के नाम पे हो सकता है. उसको रिलीज डीड बोलते हैं, यानी मेरा शेयर है मुझे नहीं चाहिए, वो शेयर में मेरे माँ के नाम पे कर देता हूँ. वो रजिस्टर करेंगे तो वो रजिस्टर्ड रिलीज डीड के हिसाब से वो पूरा शेयर वाइफ के नाम पे ट्रांसफर हो सकता है. एम आई क्लियर? Yes, yes, very much, sir. Thank you so much. Sir, I have a second question. जो शेयर है बेटी के नाम पे गया है समझ लो, तो बेटी इज मैरिड. नाउ समथिंग हैपेंस टू योर डॉटर, वो लड़की को कुछ हो गया, तो दैट शेयर गोज टू द हस्बैंड डायरेक्टली और व्हाट? अभी हाँ, अभी अच्छा सवाल पूछा आपने. मान लो ए ने बेटी है सी, तो वो सी और बी यानी सी डॉटर और बी मदर दोनों वो ज्वाइंट प्रॉपर्टी में है, नाम है. तो अगर बेटी ने विल नहीं बनाया है, बराबर है, विल नहीं बनाया तो उसमें उसके हकदार कौन है? उसका उसके उसके बेटा बेटी और हस्बैंड, बराबर. हाँ, ओके ओके सर. मतलब वो शेयर उनको चला जाता है, अपने आप चला जाता है. थैंक यू. विल नहीं बनाया होगा तो, अगर विल बनाया तो जो विल में उस हिसाब से जाएगा. ओके ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. महादेव साहब एंड संगीता मैडम, अपने दोस्तों के लिए मैं आपको एक ट्विस्टेड सॉल्यूशन भी बता सकता हूँ, लीगली परफेक्ट सॉल्यूशन. इन दैट अभी मानो अनिल है, उसकी पत्नी है अनीता, उसका बच्चा है सुरेश, उसकी बच्ची है सुनीता. आपका सवाल शायद यहीं पे घूम रहा है, करेक्ट ना? अब यहाँ पे अनिल भाई ने एक वसीयत बनाई है और उस वसीयत में उसने सुनीता को वो प्रॉपर्टी दे दी है.
तो अब यहाँ पे ऐसा है कि अगर ये चारों जन मिलके ये सोचते हैं कि हमारा हमारे पिताजी यानी अनिल भाई ने ये सोचा है कि भाई हम वसीयत बनाते हैं और सबको चार चार आना हिस्सा देते हैं उसके अंदर, तो विल को ओवरराइड करने का भी तरीका है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर में रिलीज डीड बनाने का। तो अगर ये बाकी जो तीन वारिसदार बचे हैं रेसिडुअल लीगल हायर्स बचे हैं, अभी समझो अनिल भाई की मदर भी है जिंदा है वो और अनिल भाई निकल ली है, तब बच्चे कौन? उसकी मदर बची, उसकी पत्नी बची, उसका बेटा बचा और उसकी बेटी बची। तो ये चारों जन मिलके ये तय कर सकते हैं कि हमको विल एक्टिवेट नहीं करना है। जो गुजर गया उसका विल है, उसकी इच्छा है, पर विल परिवार वालों के लिए है। और अगर परिवार में प्रॉपर सहमति है, ऑब्जेक्शन नहीं है, तो आप एक प्रॉपरली रजिस्टर्ड रिलीज डीड बनाए। क्योंकि अगर विल को प्रोबेट करने जाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 75,000 रुपए कोर्ट का फीस हो जाता है, वकील ले लेता है 10,000 से लेके 10,00,000 रुपए के बीच में, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ विल एंड नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज एंड अदर मॉडलिटीज वगैरह। आप रिलीज डीड करोगे तो आपका 1,500 रुपए में काम हो जाता है। तो आपस के सहमति में आप विल के कंडीशंस को ओवरराइड कर सकते हो। कंडीशन यही है कि आपस में सहमति हो और कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो और म्यूचुअल सिग्नेचर के साथ हो। अभी एक प्रश्न और आता है कि चौधरी का हिस्सा सुनीता को दिया, उसकी बेटी को दिया और सुनीता किसी कारणवश गुजर जाती है, तो सुनीता का जो हिस्सा है वो उसके वारिसदारों के बीच में बटेगा, जो भी वारिसदार होंगे, सुनीता का पति और सुनीता के खुद के बच्चे, तो ये सारे बच्चों के बीच में बटेगा और ये सारे बच्चे भी आपस में सहमति से रिलीज डीड भी कर सकते हैं। एनीवे थैंक यू संगीता मैडम फॉर ज्वाइनिंग मी। अगला प्रश्न है सोनम ठाकुर का। हाँ सर, मुझे ये पूछना था प्रोबेट होने के बाद डीड ऑफ ट्रांसफर करना जरूरी है या नहीं है, डीड ऑफ एग्जीक्यूशन बोलो या डीड ऑफ ट्रांसफर बोलो। अभी देखिए ऐसा है कि सक्सेशन प्रोबेट लेने के बाद आपको क्या सोसाइटी में सिर्फ जो डॉक्यूमेंट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट वही सबमिट करना है, बाकी कुछ करना जरूरी नहीं, बिकॉज प्रोबेट इज इश्यूड बाय द कोर्ट ओनली। No further formalities are required except submitting those transfer documents of the society what are required. There is no further registration required in the registrar office or anything. क्योंकि registrar के office में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपका probate होने के बाद आपको deed of transfer करानी है। तो stamp duty? Stamp duty उसमें कुछ नहीं है। स्टैम्प ड्यूटी जो नॉर्मल रिलीज डीड में लगती है उतनी 500 रुपए। तो करो तो अगर और जो वकील का खर्चा। तो देखिए अगर अगर ऐसे होता है तो प्रॉब्लम नहीं है, पर कई जगह से प्रोबेट के हिसाब से सोसाइटी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देती है। पर कंपलसरी है क्या सोसाइटी में या नहीं? नहीं, अभी देखिए इट डिपेंड। अभी ट्रांसफर डीड का एक ही फायदा क्या होता है, इसमें इंडेक्स 2 में नाम आ जाता है। So, कल उसके बेचने के टाइम बायर को क्या फायदा होती है कि भाई ये टाइटल क्लियर। टाइटल क्लियर, अच्छा ठीक है। थैंक यू। बस सोनम मैडम आपको ये बता दें कि प्रोबेट जो है वो हाईकोर्ट का डिग्री होता है। हाईकोर्ट के डिग्री के ऊपर आप में जो सेटलमेंट डीड बताया या ट्रांसफर डीड होता है वो सबकी आवश्यकता, डीड ऑफ एग्जीक्यूशन, डीड ऑफ ट्रांसफर की कोई आवश्यकता नहीं है। दैट डिग्री इज फाइनल। अगर आपको एसआरओ ने ऐसा बोला हुआ है तो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है वो। लेकिन जैसे माधव सर ने बोला, अगर आपको कोई रिकॉर्ड क्रिएट करना है तो आप इंडेक्स 2 के माध्यम से रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो, जो कि आवश्यकता नहीं है। वैसे भी जब आपको प्रोबेट मिलता है तो आपको प्रॉपर्टी वगैरह ट्रांसफर करने के बाद में हाईकोर्ट को इंटीमेट करना है कि आपने उस प्रोबेट का एग्जीक्यूशन कैसे कैसे किया हुआ। एनीवे थैंक यू सोनम जी फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय हरीश मोटवानी। सर ये आजकल सब प्रॉपर्टीज तो ज्यादा करके ज्वाइंट नाम पे करते ही है, फ्लैट भी ज्वाइंट नेम पे और बैंक में भी ज्वाइंट नेम, शेयर मार्केट में डीमैट भी ज्वाइंट नेम। अगर हस्बैंड एंड वाइफ ज्वाइंट विल करे तो इज इट वैलिड? ज्वाइंट विल करे कि मेरे बाद मेरे वाइफ का और वाइफ के बाद फिर उसके बाद बच्चों का, तो एक ही ज्वाइंट विल में हो सकता है क्या? वाइफ भी उसमें लिख देगी कि मेरे बाद मेरे हस्बैंड का और उसके बाद मेरे बच्चों का। See, joint will is allowed by the law, but we don't recommend to make a joint will. Uske fayde bhi hai, nuksan bhi hai. So, in a short words, I would suggest that make a independent will, even if there is a property in the joint names,
whether immovable or movable property. Okay, sir. Thank you. Next question is by Vikrant Jiddal. अभी आपने कहा था कि लेडीज को वाइफ को पूरा हक क्या है प्रॉपर्टी कैसे भी वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है अगर उसको हस्बैंड से या माता पिता से प्रॉपर्टी मिली है. ये हक तो सर हस्बैंड को भी है. एग्जांपल इफ द हस्बैंड इज नॉट गेटिंग अलोंग विद हिज वाइफ एंड जिनका डिस्प्यूट है उसको बच्चों से भी डिस्प्यूट नहीं है. ही मेक्स अ सीक्रेट विल दैट ही इज गिविंग अ गिफ्ट विल टू समबडी एल्स मिस्टर एक्स वाई जेड देन दैट विल बी इन फुल फोर्स आई सीन. नो सर, सर आपकी बात अब उसमें दो चीजें हैं जैसे मैंने बताया सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और इनहेरिटेड प्रॉपर्टी. हाँ तो भाई वुमेन के बारे में क्या है उसकी सेल्फ एक्वायर्ड हो या उसको उसके हस्बैंड से मिली हो हस्बैंड ये फर्क है और उसके मदर से मिली हो तो वो उसका विल बना के चाहे किसी को दे सकते ये फर्क है. थैंक यू जिंदल साहब फॉर ज्वाइनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय स्वदेशी फूड्स. सर मेरा क्वेश्चन ये है हमारे जो भी प्रॉपर्टीज हैं जिसमें नॉमिनेशन करना है मूवेबल हो या अनमूवेबल उसमें मेरे दो बच्चों का नाम मैं दोनों नॉमिनी कर सकती हूँ क्या? क्योंकि अगर नॉमिनी करती हूँ तो एक को करती हूँ सपोज जैसे मैं अगर आपको बताती हूँ बैंक लॉकर का एग्जाम्पल लेती हूँ. मुझे कहा गया है कि बैंक लॉकर में एक ही नॉमिनेशन का नाम डाल सकते हैं एक ही जन का. तो अगर मैं अपना विल भी बैंक लॉकर में रखती हूँ और मैंने विल नहीं बनाया है तो ये बैंक लॉकर बैंक वाले इनको ओपन करने नहीं देंगे ना? अच्छा आपने थोड़ा खवाल कॉम्प्लिकेट किया है. पहले बताइए विल बनाया कि नहीं बनाया है? नहीं बनाया मैंने. अच्छा तो ऐसे है मान लो आपने विल नहीं बनाया ठीक है ओके. बैंक लॉकर में आपने नॉमिनी अपने बेटे को करके रखा है एक बच्चे को ही लिखिए वो बोले दो जन का नहीं लिख सकते नाम कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप बैंक को मतलब सिर्फ नॉमिनी से है. हाँ. नॉमिनी मदर का डेथ सर्टिफिकेट लेके जाएगा बैंक को देगा और बोलेगा ये नॉमिनेशन मेरे वाइफ मेरे नाम पे किया है और बैंक फॉर्म सबमिट करके लेगी बोलेगी चाबी लाया है चाबी लेके आओ लॉकर का नाम बताओ नंबर बताओ बैंक लॉकर ओपन करके देगी बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म. सर बैंक लॉकर में मैंने मेरे सारे ज्वेलरी रखे हैं. हाँ, तो अगर सपोज नॉमिनी सपोज बाहर वाला है मेरे लीगल हेयर नहीं है तो हाँ, वो निकाल सकता है कि सब ज्वेलरी थी लॉकर का मतलब क्या होगा? वही तो अभी तो भी नॉमिनी क्यों किया नॉमिनी का मतलब क्या है? ही शुड बी एबल टू ऑपरेट द अकाउंट. व्हाट इज द पर्पस ऑफ नॉमिनी इज दैट ही शुड ऑपरेट द अकाउंट. अभी बैंक में कानून कैसा है मैं बताता हूँ आपको. मान लो आपका बैंक में सेविंग अकाउंट है बैंक में एफडी है बैंक नॉमिनी को पैसा देती है बैंक पूछे नहीं तो बेटा या बेटी को पूछती नहीं है. ये नॉमिनी की जिम्मेदारी है कि उसके लीगल हेयर को सबको डिस्ट्रीब्यूट करे वो विल के हिसाब से या सक्सेशन सर्टिफिकेट हिसाब से. वो नॉमिनी की जिम्मेदारी है बैंक की जिम्मेदारी नहीं होती है उसमें. So, नहीं मेरा यही क्वेश्चन है सर. बाकी सब चीज का तो वो नॉमिनी कुछ घपला नहीं कर सकता है. हाँ. लेकिन बैंक लॉकर में अगर सब ज्वेलरी है गोल्ड डायमंड्स जो भी वर्थ ऑफ लैक्स रुपीस तो अगर नॉमिनी ने निकाला तो फिर मेरे लीगल हेयर्स को नहीं मिलेगा ना? हाँ तो वही बोलता ना नॉमिनी की जिम्मेदारी है. वो विल में क्या लिखा उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना मैडम. अगर विल नहीं लिखा है तो बाकी सब लोग क्लेम डाल सकते कि हमारे ये बैंक लॉकर में हक है करके कोर्ट में केस डाल सकते हैं. सिंपल है. पर नॉमिनेशन दोनों बच्चों को डालने में इश्यू क्या है? मतलब बैंक क्यों नहीं अलाउ कर रही है? अभी वो मुझे पता नहीं है मैडम. आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट. लेकिन ऐसा है मैडम अगर विल में लिखा हो देखिए विल में लिखा हो कि मेरी जो कोई भी ज्वेलरी है ये मेरे सब बच्चों को समान समान जानी चाहिए तो और उसका लॉकर का रेफरेंस लिखा हो तो ये बच्चे लोग तो जाके बैंक में बोलेंगे ना कि भाई कोई भी ओपन करेगा हमारे इसमें हक है करके बैंक को तो अगवा कर देगा वो लोग जाके. इसके लिए मैं बोलता हूँ कि विल का नॉलेज होना वाइफ को हस्बैंड को बहुत जरूरी है. ये सीक्रेट रखने से कोई मतलब नहीं है. महादेव सर कुछ ऐड कर देता हूँ इस चीज के लिए आपने बोली ताकि थोड़ा सा विल के प्रति नॉलेज शेयर हो जाए. स्वदेशी मैडम आप म्यूट कर लीजिए माइक्रोफोन आपसे संबंधित नहीं है जस्ट टेलिंग ए सिंपल नॉलेज.
ओके, हम जब विल बनाते हैं अपने दोस्तों को ये बता दे कि हम जब विल बनाते हैं तो जैसे भी बनाइए आप विल, एक ही कॉपी ओरिजिनल रहेगी और उसपे एक टेक्निक यूज करिए कि मानो आप 60 साल के हो तो विल का विटनेस जो है साक्षी उसको 60 साल को लोगों को मत रखिए, उसमें रखिए लोगों को जो 20 से 40 बरस के बीच में हो और नजदीक में रह रहे हो या कोई नजदीकी रिश्तेदार हो वगैरह। कारण क्या होता है कि जब डिस्प्यूट होता है तो यही आपके जो साक्षीदार हैं, जो साक्षीदार भी कौन होना चाहिए, आपके रियली क्लोज लोग होने चाहिए, दूर के रिश्तेदार हो, नजदीक के रिश्तेदार हो और फ्रेंड सर्कल हो, आपका लोकल पान वाला भी हो सकता है जिससे आप दिल का रिश्ता बना लेते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पर ऐसे लोगों को रखो जो एक ट्रस्टवर्दी आदमी है, उनसे सिग्नेचर लो। ये एक कंपोनेंट है ताकि अगर आपका विल प्रोबेट करने के लिए कोर्ट में जाता है तो कोर्ट क्या बोलता है कि उस विटनेस को लेकर आओ यहाँ पे, उसका स्टेटमेंट लिया जाता है, उसका एफिडेविट लिया जाता है वगैरह वगैरह, प्रोसेस होता है। आप 60 साल के हो, आपका साक्षीदार विटनेस भी 60 साल का है, आपके जाने के बाद में आप 70 वर्ष तक जीते हो, आपके जीते जी वो आप निकल लिए, आपका विटनेस भी निकल लिया, तो फिर कोई विल का डिस्प्यूट और ज्यादा बढ़ जाता है, फॉर्मेलिटीज पेपर वर्क बढ़ जाती है। तो एक तो यंग पीपल शुड बी, आप किसी जवान अपने से 20 वर्ष छोटे लोगों को विटनेस बनाइए, ये जरूरी नहीं है कि वो 20 वर्ष छोटा आपसे ज्यादा जिए कम जिएगा। जैसे मैंने बोला कि वी आर ऑल बॉर्न टू डाई, वी डू नॉट नो कि हमें कब निकलने का है, पर लॉ प्रोबेबिलिटीज के हिसाब से आप अपना विल का विटनेस 40 अपने से 20 25 30 लोग साल के नीचे के लोगों को रखिए। दूसरा, जब आप विल बनाते हो तो बुद्धिमानी के हिसाब से विल को लॉकर, बैंक लॉकर में कभी भी मत रखिए, विल को घर के लॉकर में रखिए, घर में एक कोने पे रखिए, या तो आपके विल को किसी खास दोस्त या रिलेटिव के पास रखिए जिसको आप ट्रस्ट कर सके। कहने का मतलब यह हुआ कि लाइफ टाइम में कुछ लोगों के साथ में ऐसा रिश्ता बनाइए जिनके साथ में ऐसे वाले ट्रस्टवर्दी काम हो सके। आप ये सोचोगे कि मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, मेरे को कोई रिश्तेदार की जरूरत नहीं, मेरा आपस का परिवार जो है 4 लोगों का बस है। आप ये ध्यान रहे कि धोखा वही देता है जिसके ऊपर आप विश्वास करते हो, और धोखा अगर किसी बाहर वाले ने दिया तो इट इज ऑल राइट, नॉट ए इश्यू, बट अगर मेरे खुद की बीवी ने, खुद के बच्चे ने धोखा दिया तो वो मुझे ज्यादा चुभने वाला है। तो विल घर पर रखिए, अपने बीवी के पास रखिए, अपने बच्चे के पास रखिए, किसी के पास भी रखिए, पर ऐसे व्यक्ति के पास रखिए कि जो आपके गुजरने के तुरंत बाद वो विल खोलने की क्षमता रखे या इन्फॉर्म करने की क्षमता रखे। जब आप विल बनाते हो तो विल में क्या लिखा हुआ है ना तो अपने बीवी बच्चों को बताओ, ना किसी को भी मत बताओ, अंडरसर नहीं आपको अपना गला कटवाना है आगे पीछे। तो ज्यादा प्रॉपर्टी है, घर में घटनाएं होती है, दिन खराब हो जाते हैं, घर के लोग ही आपको धोखा देंगे। दूसरा, जब विल बनाते हो तो विल की ओरिजिनल कॉपी अपने खास भरोसेदार व्यक्ति के पास रखो, जो कोई भी हो सकता है आपके परिवार में या दोस्त सर्कल में या बिजनेस सर्कल में, और उसकी 2 प्रति 2 जेरोक्स कॉपीज और किसी के पास भी रखो। एक छोटा सा प्रोसीजर फॉलो करने में आपको कोई तकलीफ नहीं है, वैसे भी आप अपने दोस्तों के कॉन्टेक्ट में रहते हो रोज वगैरह, लेकिन बैंक के लॉकर में आप अपना विल मत रखिए, किसी भी कस्टोडियन के पास में रखिए। आजकल कस्टोडियन सर्विसेज भी चलती है, वो कीप ऑन फॉलोइंग अप कि आप जिंदा हो या मदमुराद है। तो ये प्रोसीजर आपको फॉलो करने से आपको आगे विल खोलने में वगैरह और रीड आउट करने में आसानी होती है। विल को कस्टडी में कैसे रखना है, उसे खोलना कैसे है, उसको रीड आउट कैसे करना है, उसके बाद में क्या प्रोसेस करना है, उसके बाद में उसे प्रोबेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आपस में सहमति से प्रोबेट का किस्सा खत्म करके हम रिलीज डीड कर सकते हैं क्या, या अंत में सेटलमेंट डीड कर सकते हैं क्या, वगैरह वगैरह जो भी क्राइटेरिया है, या विल मुझे नहीं करना है, जानने के पहले मेरी प्रॉपर्टी सबको दे देना है और किस ढंग से देना है ताकि मेरा खुद का सिक्योरिटी हमेशा मेरे जाने तक बने रहे या मेरे जाने तक मेरी बीवी की सिक्योरिटी बने रहे। एक कई चीजों में, कई फैक्टर्स में हम उसे कर सकते हैं। वन ऑफ द फैक्टर्स इज लाइक क्रिएटिंग ए फैमिली ट्रस्ट, एंड दर इज लाइक क्रिएटिंग ए कंडीशनल गिफ्ट डीड फॉर ऑल योर प्रॉपर्टीज इन फेवर ऑफ द पर्सन जिसके लिए जिसको आप
बिक्रीत करना चाहते हो, जिसको आप वसीयत देके जाना चाहते हो, जिसको आप अपनी प्रॉपर्टी मरने के बाद देके जाना चाहते हो, वो जीते जी दे दो, लेकिन कंडीशनल विल के माध्यम से दो। कंडीशनल विल का मतलब ये हुआ कि आपने बोला कि भाई मैं अनिल हूं, मेरी प्रॉपर्टी में मेरे लड़के सुरेश को देता हूं, लेकिन आप कंडीशनल विल में ये लिख सकते हो कि सुरेश मेरा लड़का जो है वो इस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता है, उसको गहन मॉर्गेज नहीं कर सकता है, उसको गिफ्ट नहीं कर सकता है, उसको कुछ भी नहीं कर सकता है टिल आई एंड माय वाइफ इज अलाइव एंड आई विल हैव परपेचुअल परमानेंट राइट टू रिसाइड इन दैट पर्टिकुलर रेसिडेंस और यूज दैट पर्टिकुलर रेसिडेंस फॉर अगर मिसने प्रॉफिट्स और फॉर एनी रेंट एक्सेट्रा जनरेटेड फ्रॉम दैट प्रॉफिट। कंडीशनल गिफ्ट डीड में आप कई क्राइटेरिया डाल सकते हो। तो ये सब एक तौर तरीका है विल को बनाने का, और विल नहीं बनाने तो और क्या रास्ता है, ये सब चीजों का यूज कर सकते हो। थैंक यू। अगला प्रश्न है बाय मिस्टर कमलेश सेठ। सर आप अनम्यूट का बटन दबाइए आपके मोबाइल पे, माइक का जो बटन है उसको क्लिक करिए एक बार। मिस्टर कमलेश आपके मोबाइल पे जो माइक का बटन है माइक्रोफोन का उसको क्लिक करिए। ओके वी विल कम बैक टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय हेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय पूर्णिमा गुप्ता। सर गुड इवनिंग, आई जस्ट वांटेड टू नो इन द रेफरेंस व्हेन द जेंटलमैन वाज टॉकिंग ही मेंशन दैट इफ द सन डाइज देन द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिज वेल्थ विल गो टू द वाइफ एंड हिज चिल्ड्रन and his mother first, and then wife and his children. There is no provision for the father? No, no. It is not a mother first. Mother, wife, and children equal. It is not mother first. It is the order is like that. All okay. Get equal share. Okay, but the father doesn't no. get. No. Okay, thank you, sir. I just wanted to clear that. I thought it was probably left. No. Thank okay. you, ma'am, for joining me. Mr. Kamlesh Sheth. Okay. Yes, sir. This is regarding the HUF property. So I didn't know what exactly was said on the HUF property. See, what do you want to know, sir, about the HUF? So what HUF? I can sell the HUF property, or how it is to be distributed? HUF is a joint Hindu property. The karta of a family cannot sell the property unless there is a medical emergency, there is some loan or anything. Otherwise, the property continues to be a HUF property and it can be distributed only on partition and it gets equally divided among the co-partners. But till it is HUF, the HUF income continues to be the income of HUF and it becomes a safe income tax for the HUF property. Yes. Okay. Yeah. Suppose the property is in the joint name. I have my property in the joint name of myself and my wife. Huh. I paid a nomination in my son name. So after my death, it will go to the wife or it will go to the son? No. See, when there are joint owners, as I mentioned earlier, each person share is considered to be 50-50%. Yes. Correct. So, for your share, the son will be nominee, but he will not get the ownership unless you make a will or unless there is a later on a succession certificate or family arrangement. The nomination will give him only a nominee along, but your wife will continue to be the 50% owner of the property. But son name will be added to the chair. Yes, as a but provisional member. As a provisional member. Yes. Okay. Yes. Okay. Thank you, sir. Thank you. Okay. Mr. Vishal Kakde. Hi, sir. Hi, Vishal ji. Mera question tha, sir, ki husband died hai aur index 2 mein second naam par wife ka naam hai, jointly hai wo index 2. तो उन्हें ट्रांसफर करने के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी या विल मंगाना पड़ेगा उनसे? अच्छा, अभी आपका सवाल ऐसा है, इस केस में क्या करें? हाँ, देखिए, इंडेक्स 2 में हस्बैंड वाइफ दोनों का नाम है, बराबर? हाँ, बराबर है सर। इसका मतलब वो प्रॉपर्टी जॉइंट नेम पे खरीदी है, बराबर है। ओके, अभी हस्बैंड गुजर गया है,
करेक्ट है, तो हस्बैंड का शेयर 50% है, तो अगर हस्बैंड ने विल बनाया होगा तो वो विल का प्रोबेट करके उसका जो शेयर है विल के हिसाब से उसके वाइफ को जिसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। अगर विल नहीं बनाया है तो उनको सक्सेशन या लीगल हेयर सर्टिफिकेट लाके बताना पड़ेगा कि भाई ये प्रॉपर्टी कानून के लीगल हेयर के और हमारे अरेंजमेंट के हिसाब से इसको देनी चाहिए, तो वो वाइफ के साथ वो ज्वाइंट ओनर हो जाएंगे। लेकिन ये डॉक्यूमेंट पूछना जरूरी है, यानी कि दोनों में से एक डॉक्यूमेंट लेना जरूरी है, सक्सेशन सर्टिफिकेट या विल। तब तक ये ट्रांसफर नहीं हो सकता उनके नाम से, फ्लैट वगैरह नहीं हो सकता है। वाइफ विल कंटिन्यू टू बी ओनली 50% ओनर। ओके ओके। अगला प्रश्न है अश्विन करनी। अगर सोसाइटी मैटर्स की है तो सोसाइटी मैटर्स में समझो कि कोई डेथ हो गई जिसका होनर था हो, तो उसके मदर्स को वो नहीं करके वाइफ को सीधा सब दे दे प्रॉपर्टी, तो वैलिड है? देखिए, आदमी ने विल बनाया कि नहीं बनाया? नहीं बनाया है। विल में क्या लिखा है? विल नहीं बनाया है। विल नहीं बनाया। अगर विल नहीं बनाया है तो जैसे मैंने पहले बताया कि उसके वाइफ का, उसके मदर का और उसके बेटों का सबका सब समान हक होता है, तो खाली वाइफ के नाम पे ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन सोसाइटी का कमिटी डायरेक्ट उनके नाम पे करती है तो गलत है, कानूनन गलत है। और अगर लेडीज के नाम का तो उसके भी मदर को जाएगा कि उसके सास को जाएगा? देखिए, लेडीज का मैंने आपको बताया, लेडी का मान लो फ्लैट है, अगर उसने विल बनाया है तो उसके विल के हिसाब से जाएगा। अगर विल नहीं बनाया है तो उसमें उसका हस्बैंड और उसके बेटों को शेयर जाएगा। ओके, मदर को नहीं जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर धर्मेश जोशी। धर्मेश जोशी, मेरा क्वेश्चन है कि अगर एक विल बना हुआ है तो सेक्रेटर के डेथ के बाद विल के एग्जीक्यूशन या प्रोबेशन के लिए कोई टाइम लिमिट होता है? अभी टाइम लिमिट होता है, इसका मतलब जनरल ऐसा है कि जनरल हेमंत सर कैन एडवाइस यू बेटर, जनरल लिमिटेशन इज 3 years, बट वो क्यों रुकेगा? व्हाई ही विल वेट टू एग्जीक्यूट? आई कैन एक्सप्लेन दैट विद एन एग्जांपल। या प्लीज एक्सप्लेन। द विल, लेट्स से द विल इज क्रिएटेड by the testator, and that will be deposited with the legatee. जो उसका बेटा है और उसके एक के बदले दो बेटे हैं, अब उसने विल बना के एक बेटे के पास दे दिया और उसके बाद दूसरे बेटे को ये विल के बारे में कुछ पता ही नहीं और दोनों बेटों में कोई झगड़ा नहीं, तो प्रॉपर्टी जो बेटे को उसने विल बना के दिया वो प्रॉपर्टी वो बेटा यूज कर रहा है और दूसरे बेटे का अपना कुछ ना प्रॉपर्टी है, दोनों बेटे में कोई जगह नहीं है। अब ये विल है वो भी दूसरे बेटे को पता नहीं है और वो प्रॉपर्टी जो है वो पहला बेटा यूज कर रहा है जिसमें भी दूसरे बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो विल का कुछ इश्यू हुआ ही नहीं, विल कभी एग्जीक्यूट भी नहीं हुआ, कभी जरूरत भी नहीं पड़ा, तो ऐसा विल क्या इनवैलिड हो जाता है? हेमंत सर, कैन यू रिप्लाई? देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जेसी सर। जी सर। जो बोलता है कि इफ देयर इज नो डिस्प्यूट देन द विल कैन बी एडमिटेड फॉर एग्जीक्यूशन अप टू 30 years, 30। ओके सर, थैंक यू। उसमें लिमिटेशन का नहीं है, आप गूगल कर लीजिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत कॉमन हो गया है और आपको आसानी से मिल जाएगा। तो उसमें प्रोवाइडेड प्रॉपर्टी स्टिल एग्जिस्टिंग, देयर विल बी सर्टेन क्राइटेरियाज टू इट फॉर दिस 30-year पीरियड, यू विल हैव टू गिव जस्टिफिकेशन फॉर व्हाइल एग्जीक्यूटिंग व्हाइल सेंडिंग इट फॉर प्रोबेट के वाइड व्हाट इज द डिले, व्हाट इज द रीजन। कई बार क्या होता है कि आदमी मर मुरा जाता है, उसने वसीयत बैंक के लॉकर में रख दी है, उसने अपने किसी दोस्त के पास रख दी है, वो अमेरिका निकल गया, आदमी भूल गया कि उसकी विल मेरे पास रखी हुई है, 20 साल के बाद में आता है बोलता है अरे अनिल भाई आपकी तो विल मेरे पास रखी थी, अनिल भाई गुजर गया, वो सुरेश भाई के पास में जाता है, रमेश भाई के पास जाता है, बोले भाई आपके बापूजी ने ये विल मेरे पास रखी थी, उस समय तक प्रॉपर्टी जैसे तैसे बनी हुई है जैसे आपने अभी उदाहरण दिया, उस समय क्या करना है? अच्छा विल आ गया,
जेन्यून है विल प्रूव कर दो, विटनेसेस अगर जिंदा है और अगर वो ये कहते हैं कि हाँ भैया अनिल भाई ने तो मेरे सामने साइन किया था, जब उन्होंने साइन किया तो लगे एक मिनट के अंदर मैंने भी साइन कर दिया था और मैं ये टेस्टिफाई करता हूँ कि ये विल जेन्यून है, हम तीनों ने मिलकर एक साथ साइन किया और वो कोर्ट मास्टर के सामने जाके ये बोल भेजे थे अफर्मेशन के टाइम पे। इन दिस सिनेरियो विल यू कैन डू इट अप टू 30 इयर्स। Yes, sir. If you permit me, just a small extension to this question. Yes, sir. अभी ये दो बेटों का जो किस्सा है उसमें समझो वो दूसरा बेटा है वो गुजर गया और उसके बाद उसके जो दूसरे बेटे के हेयर्स हैं वो ये विल को कंटेस्ट करेंगे, तब जाके प्रोबेट की जरूरत पड़ेगी, उसके अलावा तो जरूरत ही नहीं है। प्रॉपर्टी पहला बेटा तो यूज कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनिल भाई की प्रॉपर्टी है, अनिल भाई के दो बच्चे हैं सुरेश भाई और रमेश भाई। अनिल भाई ने बोला है कि ये प्रॉपर्टी मैं खाली सुरेश को देता हूँ, लेकिन विल में ये लिखा हुआ है और विल का ताना पत्ता है। अगर विल में ये लिखा है कि दोनों को मैं 50-50 रुपए दे रहा हूँ तो दोनों 50-50 रुपए क्लेम करेंगे, सुरेश भाई अपना क्लेम करेगा और रमेश भाई जो गुजर गया वो अपने बेटे को हक दे के जाता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट में बहुत मजेदार चीज है कि आपके पैदा होने के पहले ही आपका हक बरकरार हो जाता है, सेफ हो जाता है। तो यहाँ पे उसके बच्चे वो उसके पोते तक उस चीज को क्लेम कर पाएंगे। एनीवे थैंक यू मिस्टर धर्मेश जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय रमेश केलकर जी। नमस्कार सर, आई हैव वांटेड टू नो सर द नॉन मेंबर हु इज अ फ्लैट ओनर, वेयर डज ही सबमिट हिज नॉमिनेशन। फ्लैट ओनर ओके, आई मीन वेयर डज ही सबमिट हिज नॉमिनेशन इन केस ही हैज नॉट मेड अ विल, because it is not mandatory to be a member but he is a flat owner, wo nomination paper kahan submit kar sakta hai? Kelkar sahab, jab aap member ho hi nahi kisi bhi society ki, kisi bhi sanstha ke, kisi bhi association ke, kisi bhi condominium ke ya wagera, to wo nomination ka jo criteria hai wo ek entity ko lagu padta hai. Acha, okay. Ramesh bhai apna nomination Suresh bhai ke favor mein karega, लेकिन वो नॉमिनेशन किसी संस्था के कानून के तहत होना है, आप उस कानून के आप मेंबर नहीं हो, जैसे एमसीएज एक्ट के अंदर में आप मेंबर नहीं हो पर टाइटल ओनर हो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर में, तो आपको नॉमिनेशन करने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि नॉमिनेशन का मतलब कि जो नॉमिनी है जिसे हम टिपिकली कहते हैं वो एक ट्रस्टी है, अननोन ट्रस्टी या नोन ट्रस्टी, या बड़े शब्दों में अगर कहो तो वो एक चौकीदार है। Alright. और चौकीदार का काम क्या है कि आप मैं नॉमिनी हूं, मैं उसका चौकीदार हूं, मैं उस प्रॉपर्टी को एज इट इज प्रोटेक्ट करके रखूं जब तक मेरे वारिसदार, मतलब मेरे आका के, मेरे मालिक के वारिसदार सामने नहीं आ जाते। अगर अभी जैसे किसी मैडम ने पूछा कि भाई बैंक में नॉमिनेशन है, बैंक का नॉमिनी, बैंक बोलता है कि भाई अनिल भाई आपका नॉमिनेशन है, आप आके लेकर जाओ सारा मालमत्ता, और अनिल भाई बोलता है कि मैं तो नॉमिनी हूं, मेरे को बैंक ने सारा मालमत्ता दे दिया, अब मैं उसके उड़ा देता हूं, खर्चा कर देता हूं। अब जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि नॉमिनी कौन है, चौकीदार है, उसको खाली एज ए इंटरेस्टी बनाया गया कि मेरे जाने के बाद में आप ये प्रॉपर्टी होल्ड करोगे इस लिमिटेड पर्पज के लिए। अब उसका दायित्व तो क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उस नॉमिनी का, लीगल हायर को ट्रेस करो, ढूंढो और उसको हैंड ओवर करो, ये नहीं कि प्रॉपर्टी खुद खाती जाओ, वो गुना है, इट इज क्रिमिनल ऑफेंस ऑल्सो। राइट, नॉमिनी उस प्रॉपर्टी का भाड़ा भी यूज नहीं कर सकता, उसे वहां पे उसको सेव करके रखना है उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए। उसका सबसे पहला काम है नॉमिनी का, भाई ये तो मेरा, मैं इसका नॉमिनी हूं, भले मैं उसका बेटा हूं लेकिन फिर भी मैं उसका नॉमिनी। और उसको ये भी पता है कि मृतक के और चार जन है, तो उसका काम है बाकी तीन जनों को ढूंढो और खुद का चौथा का शेयर अपने अपने या तो वसीयत है उस हिसाब से आप उस हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट करो, या तो आपस ही चारों के सहमति से आप उसको रिलीज डेट बना के काम निपटा दो, या तो सेटलमेंट डेट बना दो। लेकिन संस्था है नहीं तो नॉमिनेशन का फॉर्म दोगे किसको? आप सोसाइटी को देने को जाओगे तो सोसाइटी बोलेगी अच्छा रमेश जी आप हमारे मेंबर हो क्या? तो सोसाइटी आप बोलोगे हम तो आपके मेंबर नहीं है। करेक्ट, तो बोले कि मैं नॉमिनेशन रजिस्टर में तो हमारा सिर्फ मेंबर्स के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय समीर ओलकर। समीर ओलकर
हेलो सर। हाँ, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी मेंबर का डेथ हो गया और उसे नॉमिनेशन उसके सन को बनाया था ए सन को, तो सोसाइटी ने उसको एज अ प्रोविजनल मेंबर शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर ट्रांसफर कर दिया है। ओके, अभी अभी क्या कर रहा है वो जो प्रोविजनल मेंबर जो हो गया है ए, वो लीगल हेल्थ सर्टिफिकेट सोसाइटी को दे नहीं रहा है, तो कितने साल तक उसको प्रोविजनल मेंबर रखना चाहिए या फिर उसका कुछ कुछ है उसका लॉ या फिर कुछ है सर उसके बारे में? Till he doesn't produce anything, he will continue to be a provisional member. Simple. There is no other provision available. Okay. Yeah. But the real problem will be something happens to that A. Correct. Transferring will be another big problem. Yeah, correct, sir. मैं इसलिए पूछा कि yeah, sir. It is in his interest to get a succession certificate. He may be worried that other legal heirs को share देना पड़ेगा. We don't know all this. But that is their problem. Okay. Yeah. तो सोसाइटी उसके बारे में कुछ ये नहीं कर सकते ना, एक्शन नहीं ले सकती, बस सोसाइटी ने उसको प्रोविजनल मेंबर बना दिया है, वो एज अ केयर टेकर है, दैट्स इट। बराबर, दैट्स ऑल। ही कैन नॉट टेक लोन अगेन दैट प्रॉपर्टी, ही कैन नॉट सेल दैट प्रॉपर्टी। ओके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ साल के बाद ये सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जाती है, हाँ, तो ऑफकोर्स रीडेवलपमेंट का मैटर अलग ही है, लेकिन उसमें क्या होता है, यानी वो जो मेंबर है जो प्रोविजनल मेंबर, उसको क्या हक रहता है? I would request Hemant sir to answer this. समीर जी, ऐसा है कि जो provisional member है, हाँ, he is a nobody, NOBODY. Okay. Okay. उसका खाली वहां पे provisional देख रेख के लिए रखा हुआ है। Okay, correct. उसको फ्लैट बेचने का या रीडेवलपमेंट के फ्लैट का ताबा लेने का या फ्लैट को गहन रखने का, मॉर्गेज रखने का या गिफ्ट रखने का या डोनेट रखने का वगैरह वगैरह, इन अदरवाइज प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ भी चीज है वो नहीं कर सकता। आज के दिन में कानून ये भी नहीं बोल रहा है कि प्रोविजनल मेंबर को उस मृतक व्यक्ति के फ्लैट में रहने का अधिकार है या नहीं, ये भी डिस्प्यूटेड है, मतलब कानून में नहीं लिखा है। लेकिन अभी ऐसा है कि प्रोविजनल मेंबर आप किसको बनाना चाहोगे? मानो उदाहरण के तौर पे आपने कानवाले को प्रोविजनल मेंबर बना दिया, तो बंदिश तो है नहीं, नॉमिनी आप किसी को भी बना सकते हो। एग्जैक्टली, तो कानून का ये लूपहोल आज के दिन में मौजूद है और प्रोविजनल मेंबर प्रॉपर्टी के संबंधित में कुछ भी नहीं कर सकता। ओके, तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, भले वो 100 साल निकल जाए तो भी ऐसे ही पड़ा रहेगा। प्रोविजनल मेंबर आया और जो मालिक है, ओरिजिनल मकान मालिक है, वो मर मुरा गया, उसके कोई वारिसदार भी नहीं आते हैं, कुछ भी नहीं आता है, तो कानून के हिसाब से वो प्रॉपर्टी स्टेट गवर्नमेंट को डाइवर्ज हो जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट को चली जाएगी। और गूगल में प्रवीण बाबी जो फिल्म एक्ट्रेस रह चुकी है उसके बारे में आप गूगल करके देखिए कि क्या हुआ, उसके भी कोई वारिसदार नहीं थे, उसके मरने के 4 दिनों के बाद में फ्लैट में बंद पड़ी थी, फ्लैट खोला मालूम पड़ा कोई वारिसदार नहीं है, अब क्या करना चाहिए? तो स्टेट गवर्नमेंट के पास में प्रॉपर्टी है, झूठे रिश्तेदार, बहुत दूर दूर के रिश्तेदार, मतलब क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के रिश्तेदार को भी छोड़ के नए रिश्तेदार ऐसे समय में पैदा हो जाते हैं, तो मामला है। बराबर है, तो इसीलिए सरकार ने ये बोला हुआ है कि ठीक है भाई, कोई नहीं है, प्रॉपर्टी हम ले लेते, क्योंकि मैं ही तो आपका कर्ता धरता हूँ ना गवर्नमेंट। एक्चुअली देखा जाए तो आपका जो कर्ता धरता है पारिवारिक रूप से आपके माता पिता, फ्रेंड सर्कल, परिवार वाले, लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से आपका कर्ता धरता सरकार है। थैंक यू। अगला प्रश्न है बाय मिस्टर हितेश शाह, आप हैं वहां पे? हितेश जी, मिस्टर हितेश शाह, मुझे ये जानना है कि प्रोबेट करना कब जरूरी है? समझो मेरा विल में इमोबाइल प्रॉपर्टी है तो ही जरूरत है, और मैं बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में हूँ, मैं और मेरी प्रॉपर्टी तो ही जरूरी है। समझो मैं गुजरात सूरत में हूँ और मेरी प्रॉपर्टी वहां पे है और मैं रहता भी वहां पे हूँ, तो प्रोबेट करना जरूरी है या नहीं? नहीं। तो इसलिए ये, और दूसरा, अगर मैं हिंदू और अदर देन हिंदू हूँ, कम्युनिटी में भी वो उसने कुछ सेक्शन में वैसे पर्टिकुलरली रिस्ट्रिक्शन रखे, पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही खाली प्रोबेट करना कंपल्सन है, ये इसका रीजन क्या? ये इनबैलेंस नहीं है, अनजस्टिस नहीं है, इसके बारे में कुछ बता सकते हो? प्रोबेट कब कब करना जरूरी है? अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर मुंबई, चेन्नई,
और कलकत्ता में है तो ही प्रोबेट की जरूरत है। अब एक क्यू है 1925 में वो प्रोविंस थे उस टाइम पे वो प्रावधान लाया है, अब बाकी इसमें क्यों नहीं है उसका जवाब तो हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये प्रोविजन है। अब ये प्रोविजन जब तक गवर्नमेंट नहीं सोचती है तब तक नहीं निकलेगी, लेकिन बाकी जगह पे प्रोविजन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो अगर सोसाइटी में अगर इमोबल प्रॉपर्टी है तो अगर बॉम्बे में है तो उनको एक्चुअली प्रोबेट के विदाउट वो एडमिट नहीं कर सकते है। देखिए प्रोबेट कानून अभी तो क्लियर है, कानून ने बोला है कि विल को प्रोबेट करना जरूरी है, लेकिन कई जगह पे सोसाइटी कर लेती है, वो गलत है एक्चुअली। अगर वो उसमें अंडरटेकिंग या वैसा इंडेमनिटी बॉन्ड लेके कर सकते है, अरे साहब नॉमिनेशन पे ट्रांसफर किया है तो ये अंडरटेकिंग भी हो सकता है, क्यों नहीं। ओके इंडेमनिटी अंडरटेकिंग सब होता है, लेकिन कानून क्या बोलता है कि विल को जेन्युइन, कल उठ के मान लो कोई उसका आया कि मैं इसकी बीवी थी, मेरा शेयर है इसमें, तो ये विल का मतलब क्या होता है कि कल उठ के बोलेगा ये विल फ्रॉडुलेंट था, ये इसमें गलत बना, इसको धोखे से बनाया था विल, क्या करेंगे सोसाइटी आप बताइए। इसलिए सोसाइटी की जिम्मेदारी पड़ती है कि प्रोबेट ले लो और सेफ रहो, कोर्ट का डॉक्यूमेंट है, कल कुछ हो गया तो जाओ तुम लोग झगड़ो। अगर समझो विल नहीं है हाँ, तो रियल एस्टेट से काम हो सकता है या सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना कंपलसरी है। वही मैंने बताया, देयर शुड बी अ सक्सेशन सर्टिफिकेट और लीगल हेयर सर्टिफिकेट और अ फैमिली अरेंजमेंट। दैट फैमिली अरेंजमेंट इज नथिंग बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी अमंग देयर सेल्फ बाय अ रिलीज डीड और एन अंडरस्टैंडिंग विच यू बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्टर अंडर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, देन ओनली इट गेट वैलिडिटी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। We will take up one last question by Mr. Ramesh Naidu. Good evening, Hemant sir. Yes, sir. Now, if a father expired and without a will, can a nominee occupy the flat and stay and enjoy the flat? Ramesh ji, ऐसा है कि nominee तो जैसे चौकीदार है, आपके नीचे security guard है. Right. चलो एक उदाहरण देते हैं ताकि ज़्यादा ठीक से समझ में आ जाए. अनिल भाई है, उसकी पत्नी है अनिता, उसका बेटा है सुरेश और उसकी बेटी है सुनीता, चार जन ये फ्लैट में रह रहे हैं, ठीक है। अनिल भाई गुजर जाता है, फ्लैट अनिल भाई के नाम पे है, लेकिन उसका परिवार में अनिता है, सुरेश है, सुनीता है। अनिल भाई गुजर जाते हैं, गुजरने के पहले उसने वो नॉमिनी जो है वो किसको बना दिया, वो नीचे जो पान वाला बैठता है उसको बना दिया आपने, या घर में जो दूध वाला आता है उसको बना दिया, कुछ पटा के उसने बात कर ली और उसको बना दिया नॉमिनी। अब वो प्रोविजनल मेंबर भी बन गया, सोसाइटी के रिकॉर्ड में भी आ गया। अब वो प्रोविजनल मेंबर आके ये बोलता है कि भाई मैं प्रोविजनल मेंबर हूं इस फ्लैट का, आप खाली करो। ओके तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए रमेश जी? मैं तो गलत हूं, प्रोविजनल मेंबर जो है वो तो चौकीदार है, बराबर है। तो क्या होना चाहिए, किसको रहना चाहिए फ्लैट में, मेरे खुद के परिवार को रहना चाहिए या पान वाले को आके रखेंगे, आपका क्या कहना है? खुद के परिवार ही होना चाहिए, लेकिन परिवार में ही समझो तीन भाई है तो एक भाई को नॉमिनी बना दिया, अब वो समझ रहा है कि ना वो ओनर है उसका, तो समझने के लिए ठीक है। मैं भी समझता हूँ कि एक्चुअली देखा जाए तो भाई रमेश भाई का फ्लैट है, चार फ्लैट है, दोनों में यहाँ हुआ, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ही उसका सब कुछ हूँ, हेमंत अग्रवाल ही उसका सब कुछ है, सोचने समझने में कुछ नहीं। लेकिन जब कानून के पास जाते हो, जब आप बेचने जाते हो, जब आप उसे बैंक का लोन लेने के लिए जाते हो, धंधा पाने के लिए लोन करते हो, तो वो एजेंसी बोलेगी कि आपका टाइटल डॉक्यूमेंट दिखाओ। अब टाइटल डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है, आपका सेल डीड है, गिफ्ट डीड है, रिलीज डीड है, कोर्ट का डिग्री है वगैरह वगैरह, लेकिन आप तो भी बोल रहे हो, मुंह से बोल रहे हो कल की नहीं नहीं मैं तो उसका प्रोविजनल मेंबर हूँ, मैं तो उसका नॉमिनी हूँ, तो टाइटल डीड तो है नहीं। थैंक यू मिस्टर रमेश फॉर ज्वाइनिंग। नो सर, लेकिन अभी उसको मालूम है कि वो लोन नहीं ले सकता, बेच नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट ना वो सोच रहा है कि मैं एंजॉय करूँ ना रहकर उसमें। हाँ तो एंजॉय करना तो एंजॉय पक्का कर सकता है अगर वो फैमिली मेंबर है तो, लेकिन उसके अगर बाकी भी फैमिली मेंबर्स हैं तो बाकी फैमिली मेंबर भी उस प्रॉपर्टी में उनको बराबर बराबर हिस्सा है। अब बाकी फैमिली मेंबर अगर चुप बैठे हुए हैं तो साइलेंट कंसेंट के हिसाब से वो अपना प्रॉपर्टी एंजॉय करता रहेगा, लेकिन उस प्रॉपर्टी का कुछ कर नहीं पाएगा। 25 साल के बाद में जो बाकी जो तीन जन बचे हैं उसको सडनली जाग आता है, जागने में आता है कि अरे मेरे फादर की प्रॉपर्टी थी, चलो अभी क्लेम करते हैं, तो उसको कोई बंदिश नहीं, वो क्लेम कर सकता है, वो उस समय कोर्ट में जा सकता है, उस समय पार्टीशन सूट डाल सकता है, अगर वो सी है तो उस समय एक्टिवेट कर सकता है, उसमें क्या चीज है। ओके आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि यू नो वेदर ही कैन स्टे लीगली और लॉट।
Well, if you want the Panwala as your provisional member to stay in that flat along with your family persons, that is a very technical and unethical thought for us to imagine. Especially when there is only one BHK flat. तो क्या करोगे आप? Right. तो provisional member आके बोलता है, माझा हक का है, मी provisional member, मी राहणार इकडे. तो कानून की लूपहोल्स है सर, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, ये सारा कुछ कानून में सब चीजें समझ समझ के नहीं बनाई हुई है. Right. Right. Is there any way? Stop, no, that person and occupying the property. Throw him out, so what? But go to the court. Tell him you are a provisional member, you are nobody. Okay. I just use the word capital words. N-O-B-O-D-Y, capital and in bold. He is a nobody. Throw him out. Okay. But it's a long process, right? And if you go to court, it's a long process. So now... Yes, but what to do? I mean, but I am presuming if I am 80 years of old age today, it took me 80 long years, right, to reach here. Right. What is the hurry? Until you are alive, make hay while the sun shines, isn't it? Yeah. Anyway, thank you, Mr. Ramesh. Okay, sir. Mr. Premji Charla, आपका अगर कोई छोटा प्रश्न है तो पूछिए. हाँ सर, मेरे वाइफ का नाम का फ्लैट है. अभी विल बनाना है तो लड़के का नाम का बनाऊं? मेरे एज 70 है. आप विल जिसकी मर्जी पे बना सकते, विल का भी कोई बंदिश नहीं है. किसी के नाम तो आप अपने दूध वाले के नाम पे भी विल बना सकते हैं. आपकी इच्छा है. आपका विल का रिश्ता किसके साथ में बंधा हुआ है? आपकी सेवा किसने के साथ की है इतने सालों तक? खाना पीना आपको किसने खिलाया 70 साल तक? आपकी माता ने खिलाया, आपकी पत्नी ने खिलाया, आपके बेटे ने आपको सर पे सर दुखने के टाइम पे बाम लगाया, दबा के दिया, हाथ पैर आपके सेवा किया, आपका काम किया, आपका ड्राइविंग का काम किया. तो वो सब सोचना समझना तो सर आपको है ना. अभी आप दिल के रिश्ते में तो कर लोगे, तो ऐसे तो कई बेवकूफ हैं जो वो सोचते हैं कि भाई इसने मेरी सेवा किया है, मेरी पत्नी नहीं है लेकिन इस औरत ने मेरी सेवा किया, तो मैं अपने घर बार का सारा प्रॉपर्टी 5 करोड़ का छोड़ के इसको हैंडओवर कर देता हूँ, और जिसके साथ में मैं पूरा 70 साल जिया उसको जाने दो खड्डे में. तो इच्छा तो आपके ऊपर है ना सर. ओके, अच्छा वो बिलिंग रिडोरमेंट गई है तो विल का उसमें कमिटी को क्या देना है? अगर रिडेवलपमेंट गई है, वसीयत किया है या नहीं किया हुआ है, अगर अनिल भाई के नाम पे फ्लैट है और रिडेवलपमेंट में चला गया, तो रिडेवलपमेंट के बाद में वो फ्लैट अनिल को ही मिलेगा, और अनिल के परिवार वालों को क्लेम करना है तो कोर्ट का कुछ तो ऑर्डर लेकर आओ कि मैं हूं तो कौन हूं. हो सकता है अनिल भाई ने वो वसीयत किसी ट्रस्ट या एनजीओ या हेमंत अग्रवाल के नाम पे कर रखा होगा, तो क्या करोगे आप? करेक्ट. उसको एक्टिवेट नहीं करोगे? घर में बैठे बैठे ये सोचेंगे हम लोग आप वो आप हुई. ऐसा नहीं होता सर जी. एनीवे, वी विल कंक्लूड टुडेज वेबिनार. काफी वक्त हो गया है. बिफोर कंक्लूडिंग आई विल थैंक महादेव सर, इन्होंने जितना डिटेल नॉलेज शेयर किया, लोगों के क्वेश्चन आंसर किए हुए, और हम उनको फिर से एक और रिक्वेस्ट करेंगे कि इस विल के बारे में, वसीयत गिफ्ट डीड वगैरह के बारे में अगर उनके पास वक्त हो तो फिर से हमारे दोस्तों के लिए एक और वेबिनार पे लेक्चर करें. थैंक यू श्री महादेव जी, एंड नाउ थैंक यू ऑल फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग एंड सपोर्टिंग टुडेज वेबिनार. विद द परमिशन ऑफ ऑल फ्रेंड्स वी विल कंक्लूड टुडेज वेबिनार.